हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट थर्ड में आज हम लोग देखेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री होता क्या है? ए ट्री हुज एलिमेंट्स हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रेन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। कम से कम जिसके दो चिल्ड्रेन हो जिस ट्री में, उसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी ट्री अगर हम बांटे तो तीन एलिमेंट होते हैं बाइनरी ट्री में। एक होता है डेटा, दूसरा पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टू, तीसरा होता है पॉइंटर टू राइट चाइल्ड। कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पर इनकी कैलकुलेशन होती है, जैसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज 2 to the power l minus 1। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं। जो ये पांच रूल हैं, ये पांच रूल हम लोग जब आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इन पांच रूलों के बेस पर कैसे हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड तब निकालते हैं जब हाइट दी हुई होती है, या लेवल दिया हुआ होता है, या जब हमें निकालना होता है कि मिनिमम पॉसिबल हाइट या मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स दिया हुआ है तो नोड निकालना हो। तो इन पांच रूल्स का इस्तेमाल हम आगे जैसे जैसे करेंगे उसे डिटेल में देखेंगे। अभी देखो आप, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री के कितने टाइप होते हैं, तो पांच तरीके का होता है ये। फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री और डीजेनरेटेड, ये होते हैं पांच तरह के। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखो ट्री में और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस होता है। ट्री में देखो आप, कितने भी नोड्स हो रहे हैं, चाइल्ड नोड्स कितने भी हो रहे हैं, जैसे ए है एक रूट नोड, तो इसका बी और सी है चाइल्ड, फिर डी है एक, ये तीसरा भी आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्री है। ठीक है, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर देखो, ए है, ए के दो चाइल्ड हैं बी और सी, फिर बी के दो चाइल्ड हैं डी और ई, ई के दो चाइल्ड हैं एच और आई, तो ये जो है ये एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का मतलब हो गया दो जिसके चाइल्ड हो। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी ट्री हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। ए जनरल ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन दैट ईच नोड कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। किसी भी नोड के इनफिनाइट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो सकते हैं, दो तीन चार पाँच या जितने भी हों। और बाइनरी में जो होता है, ईच नोड के दो होंगे, एट मोस्ट टू नोड होंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट, तो ये बाइनरी ट्री होता है। ट्री और बाइनरी ट्री का यही डिफरेंस होता है। अब है फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री के टाइप्स में है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का एक नॉर्मल सा याद रखो आप, ए बाइनरी ट्री इज फुल इफ एवरी नोड है जीरो और टू चिल्ड्रेन, या तो जीरो होगा या दो चिल्ड्रेन होगा। ठीक है, जैसे ए देखो, ए के दो चाइल्ड हैं बी और सी, बी के दो चाइल्ड हैं डी और ई, सी के एफ और जी हैं, ई के दो हैं, डी के नहीं हैं, कोई बात नहीं है, ये फुल बाइनरी में आएगा। लेकिन अगर एक होगा तो वो फुल बाइनरी में नहीं आएगा, या तो दो हो या जीरो हो तो वो फुल बाइनरी ट्री में आएगी। तो ये हमारा फुल बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, ए बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, एंड द लास्ट लेवल हैज ऑल की एज लेफ्ट एज पॉसिबल। देखो आप, कंप्लीट बाइनरी ट्री में सारे लेवल फुल होने चाहिए, फिल्ड होने चाहिए, सिर्फ लास्ट वाले लेवल को छोड़कर। ठीक है, अब हमारा इसमें देखो, ए है, ए के दो चिल्ड्रेन है बी और सी, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, ए का एक लेवल हो गया। अब बी के डी और ई हैं और सी के एफ और जी हैं, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल में एच आई और इधर एच है। ठीक है, ई के साथ एच है, तो हमारा ये आ जाएगा, इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एज ऑल द नोड्स एक्सेप्ट लास्ट लेवल हैज टू चिल्ड्रेन। ये हमारा लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल को छोड़ दें हम तो बाकी ऊपर के सारे लेवल हमारे फुल है। ठीक है,
DEFG ये हमारा लास्ट लेवल है, इस लेवल को आप छोड़ दीजिए। हमारा रूल ही है कि लास्ट लेवल को छोड़कर बाकी जितने भी लेवल हैं सारे फुल होने चाहिए। तो ए के दो चिल्ड्रेन हैं बी और सी, बी के दो चिल्ड्रेन हैं डी और ई, सी के दो चिल्ड्रेन हैं एफ और जी, और ये हमारा लास्ट लेवल है, ऊपर के सारे लेवल फिल है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब हम इस जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं, इट इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री एज ई डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये लेवल में क्या है, ये लेवल में ई में कोई चिल्ड्रेन नहीं है, ये एक नए लेवल की शुरुआत हुई लेकिन ई में कोई चिल्ड्रेन नहीं है, जिसकी वजह से यह कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट के बाद हमारा क्या आएगा, परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री इज परफेक्ट बाइनरी ट्री विच इन विच ऑल इंटरनल नोड्स हैव टू चिल्ड्रेन एंड ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल। सेम लेवल पर सारे हो, जैसे ए के दो चिल्ड्रेन हैं बी और सी, बी के भी दो चिल्ड्रेन हैं डी और ई, सी के दो चिल्ड्रेन हैं एफ और जी। लेकिन अगर हम इस बीच वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं तो देखो आप, सी के सिर्फ एक चिल्ड्रेन है, और ये लास्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम तो इसके साथ भी वही है, डी का कोई भी नहीं है, एफ और जी का कोई भी नहीं है। तो ये दोनों हमारे परफेक्ट बाइनरी नहीं हुए, हमारा पहला जो एग्जाम्पल है ये परफेक्ट बाइनरी हो गया, क्योंकि सारे लेवल में चिल्ड्रेंस दो दो हैं, ठीक है। अब है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में क्या है, इफ एट एनी गिवन नोड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज नॉट ग्रेटर देन वन। लेफ्ट सब ट्री जो नीचे चिल्ड्रेन की वजह से बनते हैं और राइट सब ट्री, इन दोनों में जो है हाइट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा बैलेंस्ड होगा। तो अब आप इस एग्जाम्पल में देखो, इधर वाले एग्जाम्पल में सी की हाइट है वन, ठीक है, जी की अगर हम हाइट निकालेंगे तो ये है जीरो, एच की हाइट है जीरो, ई की हाइट है वन, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये लेवल चलता आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस है वो मोर देन वन नहीं निकल रहा है। लेकिन इस केस में अगर देखेंगे हम तो इस केस में मोर देन वन निकल रहा है। नोड सी, सी जो है ये देखो आप रूल को तोड़ रहा है, इसलिए ये बैलेंस ट्री नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं पैथोलॉजिकल ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए ट्री वेयर एवरी इंटरनल नोड हैज वन चाइल्ड, ठीक है, ये लिंक लिस्ट की तरह होते हैं, सारे नोड के अपने एक ही चाइल्ड होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड या पैथोलॉजिकल इस ढंग के। तो ये मुख्य रूप से हमारे ट्री के टाइप हैं जो आगे के प्रश्नों में आपको मिलेंगे। और बेसिक ऑपरेशन अगर हम जाएंगे तो बेसिक ऑपरेशन, इसमें कॉमन ऑपरेशन तो वो होता है तीन, BST में इंसर्ट करना, डिलीट करना और ट्रेवर्सल करना। तो इसको डिटेल में बांटेंगे हम लोग, तो इंसर्ट, सर्च, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये आएगा। ये हमें दिया हुआ है एक एग्जाम्पल और ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है या फाइबोनाची ट्री है या एबीएल ट्री है। तो ये हमारा क्या है, ये बाइनरी ट्री है, एक रूट नोड है जिसके दो चाइल्ड नोड है। आगे के प्रश्न देखते हैं, ए बाइनरी ट्री इज ए रूटेड ट्री बट नॉट एन ऑर्डर ट्री, ये सही है या गलत है। नहीं, ये गलत है, बाइनरी ट्री रूटेड भी होती है और ऑर्डर्ड भी होती है। हाउ मेनी कॉमन ऑपरेशन आर परफॉर्म इन ए बाइनरी ट्री, तो तीन है, इंसर्ट, डिलीट और ट्रेवर्सल, पांचवा का आंसर होगा ये। आगे के प्रश्नों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।